हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी फिट एंड फाइन एज यूजुअल सो आज की हमारी वीडियो होने वाली है इंग्लिश ग्रामर पर अगर आपको अपने बच्चे को ग्रामर सिखानी है तो आप कैसे सिखा सकते हैं स्टेप वाइज स्टेप हम लेंगे एम ए कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है विद बुक एंड विदाउट बुक भी कि नॉर्मली मैंने उसके साथ कैसे डिस्कस किया और कैसे हेल्प किया उसे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में और फिर मैंने प्रैक्टिस उसे कैसे कराई है ठीक है उसकी वीडियो के लिंक भी मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप वो जरूर से चेक कीजिए तभी आपको ना एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ओके तो आज की इस वीडियो में मैं टू थिंग्स आई विल शेयर वन थिंग जैसे मैंने बताया कि जर्नली मैंने उसके साथ कैसे शेयर किया विदाउट बुक ठीक है स्टार्टिंग में नहीं है इंपॉर्टेंट कि आप बुक में इन्वेस्ट करो ओके okay? जब आपके बच्चे को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं इंटरेस्ट क्रिएट होता है फिर आप बुक में इन्वेस्ट कीजिए ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने उसे कैसे कराया विदाउट बुक So, जैसे ये मेरे पास एक डायरी है इसमें मैंने सबसे पहले नोट डाउन किया कि मुझे उसे क्या सिखाना है, है ना नाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वर्बे अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप रिलेट करेंगे और अगर वो उन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप ना Na, नेचुरली आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जो इंग्लिश है नॉट ओनली रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग ओवरऑल डेवलपमेंट आपके बच्चे की होगी ठीक है तो ये टॉपिक हो गए नॉर्मली जो हम नाउन वर्ब्स बच्चे को पढ़ाते हैं है ना इसके अलावा फिर कुछ और टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे यहाँ पे हैं वाउल कॉन्सोनेंट्स तो मैंने क्या किया सबसे पहले जैसे उसे अल्फाबेट कराए टू वर्ड्स कराए टू लेटर वर्ड्स कराए सॉरी उसके बाद मैंने उसे अ अः एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था ठीक uh, है जब सी वी सी वर्ड्स मैंने करवाया उसके बाद क्या था कि लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड समझानी थी तो एंड कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट भी देना था तो जब मैंने उसे vowel consonant, article concept दिया एंड राइट लॉन्ग साउंड कराई उसके बाद क्या था सेंटेंस सेंटेंस में क्या है कि मैं उसे प्रैक्टिस के लिए मैं उसके साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करती थी है ना व्हाट इज योर नेम व्हाट आर यू डूइंग वे आर यू गोइंग ये जो टिप है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैसे होती है क्योंकि इसमें ना आपको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है बच्चा और बच्चे को भी सीखना नहीं पड़ता है नेचुरली ये चीजें होती हैं जैसे आपने बोला वट आर यू डूइंग है ना आर यू और बच्चे को पता चलेगा कि वट के बाद आर यूज हुआ है नेचुरली उसके अलावा बच्चे को पता चलेगा कि यू के साथ आर यूज करते हैं है ना माई नेम इज अमाइरा जाखड़ अब पता चला की माई नेम सिंगल नेम है कोई सिंगल चीज उसके साथ इज यूज होती है बाद में आप इन चीजों को एडोन कर सकते हैं स्टार्टिंग में आप बेसिक बेसिक सेंटें से प्रैक्टिस कीजिए ओके शी इज प्लेइंग दी वी इज प्लेइंग वट एम एंड दी वी आर डूंग है ना वॉट आर दे डूइंग तो इन सब चीजों से बच्चे को पता चलता है कि कहाँ इज यूज होना है कहाँ आर यूज होना है नेचुरली ओके okay. तो एक चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा और शेयर करूंगी तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए सो so, अब देखिए जैसे यहां पे टॉपिक्स हो noun, pronoun, हो गए गए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव नियर फार है ना दिस दैट ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चे का फिर आ जाती है वर्ब्स ए एन डी का मैंने ऑलरेडी बता दिया है वर्ब्स में बच्चे को हम सिखाते हैं एक्शन वर्ब्स है ना उसी चीज का फिर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्कस करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो हम नॉर्मली इजेमआर और वो सब यूज करते हैं अब इसके अलावा फिर आ जाते हैं जैसे कुछ अलग थिंग्स जैसे एडवर्ब हो गया एजेक्टिव हो गया है ना तो नाउन के साथ ये सारी चीजें भी हो जाएंगी फिर आ जाता है वॉट इज हैपनिंग मीन्स यहाँ पे इज एम आर है ना बेसिक so यही जो टेंसेज वाली चीजें होती है ग्रामर में प्रिपोजिशन है हम बहुत अच्छे से बच्चे को पहले से ही सिखाने लग जाते हैं नर्सरी किंडर गार्डन में ही प्रीपोजिशन के लिए भी सबसे अच्छा यही है एमओ योर बुक्स आर ऑन द टेबल योर बॉल इज अंडर द टेबल अंडर द चेयर ओ मोमा आई एम नॉट एबल टू फाइन माई बुक वेयर आर माई बुक बच्चा योर बुक आर ऑन द टेबल प्लीज गो एंड फाइंड है ना इस तरह से आप बच्चे को कराइए तो इस तरह से प्रिपरेशन की एक्सरसाइज हो जाएगी एंड बट ये भी सिंपल आप सेंटेंसेस से कराइए इज गोइंग टू द पार्क दीवी इज गोइंग टू द पार्क अब बोथ आर डूइंग सेम वर्क तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एमी एंड दीवी आर गोइंग टू द पार्क ना मैं ऐसे ही ना जर्नल चीजों से कनेक्ट करके सिखाती हूँ उसे रियल लाइफ जो थिंग्स होती है उनसे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाता है और वही हम स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए बहुत एक तरह से ऐसे चुटकियों वाला खेल हो जाता है तो उसे कभी ऐसा नहीं लगता ग्रामर हो माय गॉड ग्रामर करनी है इंग्लिश लर्न करनी है ये वाला चीज नहीं होती है उसके लिए ठीक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी इसके अलावा जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन अगर पूछना है है ना तो कैसे पूछिए पोस्टी का यूज दिस बुक बिलोंग्स टू विच है ना कम्प्रीहेंशन है कंपोजिशन है और फिर लास्ट में जैसे इस बुक में कुछ टेस्ट है मैं बुक का नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस में शेयर किया हुआ है तो मेरा रिकमेंडेशन किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं है जिस भी बुक में आपको इस तरह का कंटेंट मिले वो और जिसके रिव्यूज अच्छे हों आप वो बुक ले सकते हैं ठीक है तो एक तो ये हो गया मैंने ये ऐसे कराए थे कंटेंट नेट पे ही देखा था मैंने कि बच्चे को ऐसे कराते हैं तो मैंने नोट डाउन कर लिया था और फिर मैंने क्या किया था सिंपल मैं बताती हूँ जैसे इस तरह से मैंने ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए राइट कर लिए थे जैसे एजेक्टिव है ना एजेक्टिव के ये हो गए इज एम आर के हो गए और इसमें हाँ जैसे इज एम आर की और एक्सरसाइज हो गई है यहाँ पर hmm. सिंगुलर फ्लोरल हो गया है वर्ब्स वर्ब्स को से समझाने के लिए प्रोनाउन नाउन तो इस तरह से ही मैंने कराए थे बेसिक आप देख सकते हैं कोई मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कराया ये मैंने राइट किए थे एक्चुअली मेरे रेफरेंस के लिए ठीक है सिंपल कि मैंने राइट किया और फिर मैंने उससे पूछा है ना तो इस तरह से आप विदाउट बुक भी करा सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर बुक की बट आप चाहते हैं कि आपका बच्चा और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करे और ज़्यादा अच्छे एडवांस लेवल पर सीखे और आपका बच्चे का अगर इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में तो उसके बाद आप बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं अब बात है? करते हैं बुक की बुक में आप देखेंगे कि क्या मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ जैसे ये स्पेलिंग्स में इस तरह के यहाँ पे कॉन्सोनेंट है वाउल है ठीक है एन ये काफी सारी एक्सरसाइज मिल जाती है यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चे को देखिए पिक्चर कंपोजिशन हो गया है ये सेंटेंसेस को प्रॉपरली अरेंज करना है बच्चे को है ना यहाँ पे कुछ इस तरह की भी एक्टिविटीज uh, हैं जिसमें बच्चे को ना सर्कल करना है वर्ब्स को नाउन को प्रोनाउन को फिर इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ जाता है जैसे नाउन का कॉमन नाउन है ना प्रॉपर नाउन सिंगुलर प्लोरल नॉर्मली सिंगुलर प्लोरल हम बच्चे को सिखा देते हैं लेकिन जब फिर डिफरेंट कुछ जैसे सी एच एक्स एस एच आ गया है एफ आ गया है तो वो सब रूल ना थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि इन डेफ अगर फिर आपको बच्चे को सिखाना है तो आप इस तरह की बुक ले सकते हैं कोई भी ले सकते हैं ठीक है इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है अपार्ट फ्रॉम बुक वो भी मैं बताती हूँ तो ये एक बुक का जस्ट जैसे ये मैंने एम को करवाई थी इसी को मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे बच्चे को वर्ब सर्कल करनी है तो उसे रीड करना है और वर्ब सर्कल करना है इसी तरह और भी मिल जाएंगे आपको ईज एम आर से यहाँ पे ई एम आर की मैंने उसे करवाई थी वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज चेक कीजिए ठीक है इसी तरह से ये कि हेज है हैड की ठीक है ये देखिए बट एंड वेन कब यूज करते हैं एंड में इसमें आप देखेंगे कि एक दो तो टेस्ट दिए हुए हैं ठीक है तो इस तरह की कोई भी बुक आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है दो हैं। सबसे पहले जो मैंने फॉलो की वो है इंग्लिश रीडिंग की है ना मैं ना स्टोरी रीड करती थी उससे क्या होगा बच्चे को वो कैबलरी मिलेंगी बच्चे की इमेजिनेशन इंप्रूव होगी बच्चे की लिसनिंग पावर इम्प्रूव होगी और बच्चा सुने सुनके ही तो सीखता है कोई भी लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज है हिंदी है हरियाणवी है कोई मराठी कन्नड़ जो भी लैंग्वेज है आपकी बच्चा सुनकर ही सीखता है ठीक है तो सुन 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 कर वो सेंटेंस की फॉर्म में बच्चे के दिमाग में फिट हो जाते हैं सेकेंड थिंग जो मैंने स्टार्ट की जब जैसे ही मैंने उसको रीडिंग करना सिखा दिया था जब टू एंड ऑलमोस्ट टू एंड हाफ की हो गई थी तो उसको रीडिंग आने लग गया था तो तब से उसने थोड़ी थोड़ी सेंटेंसेस की फॉर्म में जब थ्री ईयर की हो गई और अब तो वो पूरी बुक्स अपने आप ही रीड कर लेती है मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है तो रीडिंग से क्या होता है बच्चे का ना जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो नेचुरली उसमें आता है अब आप बोलेंगे कि मैम नेचुरली नेचुरली बोल रही हैं हाँ ये फैक्ट है मैंने नोटिस किया है अपनी मोर देन थ्री ईयर का मेरा जो होम स्कूलिंग का एक्सपीरियंस है उसने और मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल थिंग्स शेयर करती हूँ जो जिससे कि आपके लिए मेरी जो वीडियोज हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल हों तो अगर आप ये सारी चीजें लेकर बच्चे के लिए करेंगे उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी राइट उसकी लिसनिंग होगी है ना और उसकी रीडिंग होगी उसकी इमेजिनेशन इंप्रूव होगी और फिर अगर आप नेचुरल uh, एक्चुअल में अगर थिंग्स के साथ रियल लाइफ थिंग्स के साथ कनेक्ट करके अगर उसे ग्रामर के कुछ रूल्स स्पेलिंग के कुछ रूल्स भी कराएंगे ना तो आपका बच्चा बहुत ईजिली उनको कैच कर लेगा सो so, अगर आपके लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल So, thank you so much for watching our video. Bye bye.